Assalamu alaikum, this is me Waqar Ismail, and today we are going to discuss about communication and collaboration models in human computer and interaction. So kyun hum human computer interaction mein communication and collaboration models ko padhne ja rahe hain? सबसे पहले आपको ये चीज़ तो पता है कि हम ह्यूमन कंप्यूटर एंड इंटरेक्शन को क्यों पढ़ते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और रिव्यू करें, अपने थोड़े पास्ट में जाएं, तो ये चीज़ काफ़ी अंडर डिस्कस रही है कि जब भी एक कंप्यूटर बनाया जाए, एक मशीन बनाई जाए या फिर एक सिस्टम बनाया जाए, वो सिस्टम जो एक रियल इन्वायरमेंट में हम लोगों ने डिप्लॉय करना हो, जिससे ह्यूमंस इंटरेक्ट करें और जिसको ह्यूमन डेली लाइफ में यूज़ करें, तो क्या वो सिस्टम ह्यूमंस के साथ उतना ही सक्सेसफुली कोलैबोरेट कर पाएगा जितना ह्यूमन डिज़र्व करते हैं? क्या वो सिस्टम ह्यूमंस के लिए कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगा, या फिर वो सिस्टम्स ह्यूमन के लिए या उनकी सेहत पे या उनके एनवायरनमेंट पे या उनकी डेली लाइफ रूटीन्स के ऊपर इफेक्ट तो नहीं करेगा? इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक पूरी फील्ड ऑफ साइंस जिसको ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन कहा जाता है वो सामने आई, जिसके अंदर हमने इन सारी चीज़ों को फोकस करना शुरू कर दिया कि आया हम जो सिस्टम बना रहे हैं वो सारे सिस्टम उन सारे स्टैंडर्ड्स के ऊपर उतर रहे हैं जिन स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके ये सिस्टम ह्यूमंस के लिए सिर्फ फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। खैर, उसके बाद हमने ह्यूमंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, कंप्यूटर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उनके इंटरेक्शन मॉडल्स पढ़े, उसके बाद हमने इनके आपस में इंटरेक्शन स्टाइल्स देखे, उनके डिज़ाइंस देखे, और करते करते अब हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन मॉडल्स। बेसिकली हम ये टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये चीज़ जान सकें कि ह्यूमन एक कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करेगा तो कौन सा मॉडल ऐसा होगा जो इजी होगा ह्यूमंस के लिए कि वो उस तरीके को अडॉप्ट करें तो वो कंप्यूटर के साथ बहुत ही आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जिस तरह ह्यूमंस आपस में बात करते हैं, जिस तरह ह्यूमंस आपस में डिस्कशन करते हैं, इसी तरह से ह्यूमन कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं या नहीं, हमारा आज का टॉपिक ये है। ओके, CSCW इश्यूज एंड थ्योरीज, कम्युनिकेशन मॉडल्स में क्या इश्यूज हैं और क्या थ्योरीज हैं जो कि ओवरऑल साइंटिस्ट ने प्रोवाइड की हैं। ऑल कंप्यूटर सिस्टम्स हैव ग्रुप्स इंपैक्ट। ऑल कंप्यूटर सिस्टम्स सिंगल और मल्टी यूजर इंटरेक्ट विद द वर्किंग ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन विच दे आर यूज्ड। जितने भी कंप्यूटर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ हो रहे हैं या फिर आपके घरों में यूज़ हो रहे हैं, वो सारे के सारे सिस्टम्स या फिर वो सारे के सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो आपके साथ किसी ना किसी वे में इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ किसी ना किसी वे में इंटरेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनको किसी ना किसी तरीके से डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब आप उनके साथ डेली लाइफ में इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपने कोलीग्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने बॉसेस के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, सेम एज इट इज़ कंप्यूटर्स के साथ भी आप डेली लाइफ में इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो हमें ये एक इशू था कि हम कंप्यूटर को भी उतना फ्रेंडली रखें जितने फ्रेंडली आपके एनवायरनमेंट में बाकी चीज़ें हैं, ताकि ये एक अनोइंग सिचुएशन ना हो, लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हुए भी इतना ही इजी फील करें जितना इजी वो अपने फ्रेंड से बात करते हुए महसूस करते हैं। इग्नोरिंग दिस लीड्स टू द फेलियर ऑफ सिस्टम्स। अगर हम इस चीज़ को इग्नोर कर दें तो डेफिनेटली ये चीज़ सिस्टम्स के फेलियर का भी बाइस बन सकती है। हम अगर उसको इस तरह का फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड ना करें तो एक यूज़र एक सिस्टम के ऊपर अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकेगा, या एक सिस्टम एक यूज़र को एक अच्छा फीडबैक नहीं दे सकेगा जो कि लीड करेगा सिस्टम फेलियर की तरफ। और डेफिनेटली सिस्टम फेलियर का मतलब है कि आपको लॉस हो रहा है। लुक एट सेवरल लेवल्स व्हेन यू हैव अ लार्ज स्केल कॉन्टेक्स्ट। हमारे पास कुछ लेवल्स हैं जिन लेवल्स को हम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन कहें तो गलत नहीं होगा, कि ह्यूमंस आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं और ये सक्सेसफुल है या नहीं है, ताकि उसके बाद इन ही मॉडल्स को हम कंप्यूटर पे इंप्लीमेंट करें। नंबर वन है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। एज यू नो, फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज समहाउ व्हेन वी टॉक विद अदर पर्सन फ्रॉम फेस टू फेस, जिसमें वो हमें देख रहा है, हम उसे देख रहे हैं, हम आमने सामने बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल अपनी टॉक, अपने आई कॉन्टैक्ट्स, अपने मूवमेंट्स या अपने गेस्चर्स को यूज़ करके एक प्रॉपर तरीके से किसी बात को कन्वे कर रहे हैं जो अगले बंदे को प्रॉपर समझ आ रही है। वाइल इन कन्वर्जेशन हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बात को और ज़्यादा एलैबोरेट कर रहे हैं, हम अपनी बात को डिफरेंट दलाइल से या डिफरेंट आर्गूमेंट से, डिफरेंट एग्जाम्पल से या इशारों किनारों से हम अपनी बात को और ज़्यादा एलैबोरेट कर रहे हैं, मतलब अपनी बात का स्ट्रक्चर वाजिया कर रहे हैं। इन टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन
टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन हमारे पास वो कम्युनिकेशन है जिसमें हम कोई चिट्ठी लिख रहे हैं या फिर हम कोई एसएमएस या फिर मेल भेज रहे हैं, जबकि ग्रुप वर्किंग में हमारे पास ग्रुप डिस्कशंस आ जाती हैं, जैसा 3 या 4 लोग, 2 से ज़्यादा लोग खड़े आपस में बात कर रहे हैं, या फिर वो किसी ग्रुप चैट में बात कर रहे हैं, या फिर वो किसी भी जगह पे एज ए ग्रुप आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या पॉज एंड कॉन्स हैं इनके, और किस जगह पे आके ये फेल हो रहे हैं, या इनमें से कौन सा है मॉडल जो कम्युनिकेशन के लिए सक्सेसफुल मॉडल है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नीड टू अंडरस्टैंड नॉर्मल ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन। दिस इज द दीज आर द टाइप्स ऑफ बेसिकली ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड, दैट वर द फेस टू फेस कन्वर्सेशन, टेक्स्ट बेस्ड एंड ग्रुप बेस्ड। ये हमारे पास कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं। सो फेस टू फेस क्या कह रही है? फेस टू फेस हमारे पास कह रही है कि अगर हमारे पास एक दो बंदे आपस में बात कर रहे हों तो उनकी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व क्या हो रहा है, इन्वॉल्व आइज, फेस, बॉडी गेस्चर्स एंड मोस्ट प्रिमिटिव एंड मोस्ट सबटल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा पुरानी फॉर्म है कम्युनिकेशन की। अब हम इसे पुरानी क्यों कह रहे हैं? डेफिनेटली जब से दुनिया बनी है तब से ही हम इस कम्युनिकेशन मोड को अडॉप्ट करके बैठे हुए हैं। ना लिखना था ना पढ़ना था, शुरू से बात करने के जो स्टाइल थे वो सिर्फ और सिर्फ फेस टू फेस कम्युनिकेशन ही थी, इसलिए हम इसको मोस्ट प्रिमिटिव कह रहे हैं, ताकि बहुत पुरानी, इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल एनवायरनमेंट। और ये डेफिनेटली किसी फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर ही अक्रेंस होती है आपस में कम्युनिकेशन जब हो रही होती है। कन्वर्जेशन क्या है? कन्वर्जेशन कैन बी एनालाइज टू इस्टेब्लिश इट्स डिटेल स्ट्रक्चर। कन्वर्जेशन जब हम कोई बात कर चुके हैं या कर रहे हैं तो उस बात को खींचना, उस बात को दलाइल से, एग्जाम्पल से या इशारों किनारों से एक्सप्लेन करना, दिस इज कॉल्ड कन्वर्सेशन। उस बात को और ज़्यादा एलेबरेट करने का जो प्रोसेस है या अपनी बात के स्ट्रक्चर को वाजिया करने का जो प्रोसेस है उसको हम कह रहे हैं कन्वर्सेशन। टेक्स्ट बेस्ड क्या है? टेक्स्ट बेस्ड सम थिंग्स कैन अप्लाइड ऑन टेक्स्ट, सेम थिंग कैन अप्लाइड ऑन टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्सेशन। यही चीज़ें जो फेस टू फेस या कन्वर्सेशन में है वही टेक्स्ट बेस पे भी अप्लाई हो रही हैं, लेकिन स्लोअर पेस ऑफ इंट्रैक्शन, ये थोड़ी सी स्लो है एज़ कम्पेयर टू फेस या कन्वर्सेशन, ये थोड़ी सी स्लो है। जब हम इसमें बात कर रहे हैं तो हमें बात का जवाब मिलने का वेट करना पड़ता है, हम अपनी बात और उसकी बात में काउंटर बात नहीं कर सकते, हम बातों को टोक नहीं सकते। लाइक आपने किसी को चिट्ठी लिखी तो डेफिनेटली आपने सारी सिचुएशन लिख के भेज दी और उसके बाद वेट किया, जब उसके पास पहुंची, उसने उसको समझा, उसने उसका जवाब लिखा, और फिर वो जवाब आप तक आते आते दोबारा टाइम लगेगा, और आपको जब पता चलेगा कि इसका ये मतलब है तो फिर आप उसका जवाब लिखोगे। तो ये हमारे पास स्लोअर पेस ऑफ, सो लेस कॉन्टेक्स्ट टू डिसएम्बिगुएट एक्सप्रेशंस। डेफिनेटली जब आप किसी से बात कर रहे हैं टेक्स्ट बेस पे, इट कैन बी अ लेटर, इट कैन बी अ मेल, तो आप उसको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस या फिर अपने आई एक्सप्रेशंस या फिर उसको अपनी वॉइस वेरिएशंस नहीं भेज सकते। तो उस बंदे को क्या पता कि आप जब उससे बात कर रहे हैं तो आपका जो बात करने का मूड है वो मूड किस टाइप का है, आप गुस्से में हैं या हैप्पी हैं, ठीक है ना। इट्स मीन कि आप एनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। रिड्यूस फीडबैक फॉर कन्वर्जेशंस। ऑफकोर्स फीडबैक एक बहुत बड़ा इशू है टेक्स्ट बेस में, कि डेफिनेटली जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपने एक टेक्स्ट उसको भेजा या एक मेल उसको भेजी या फिर एक लेटर भेजा, तो आप उसकी बात तो काट सकते नहीं हैं। जब तक उसकी बात नहीं आती, आपका जवाब नहीं आता, फिर आपका सवाल नहीं जाता, जवाब नहीं आता, इट्स वेरी हैक्टिक एंड लेंथी एंड स्लो पेस ऑफ इंट्रैक्शन मैथड। तो जिस वजह से आपको अपनी बात उस तक पहुँचाने में, उसकी बात करने में शायद महीनों लग जाएं, बट इज़ मोर ईजिली रिव्यूड, ये आसानी से रिव्यू हो सकता है। लाइक हम इसमें ये कर सकते हैं कि हमारे पास मैसेजेस का जो बैकअप होता है हम उसे देख सकते हैं, बार बार रीड कर सकते हैं, और उसमें से हम कुछ मीनिंग्स अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बेस को हम सम हाउ बेटर भी कहते हैं और सम हाउ स्लो भी कहते हैं। इसका आजकल थोड़ा सा एडवांस वर्जन हमारे पास आ चुका है कि हम टेक्स्ट में डिफरेंट इमोजीज को यूज़ करके या डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके अपने एक्सप्रेशंस को और अपनी बात के एग्जैक्ट मीनिंग को बीच में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप वर्किंग। ग्रुप वर्किंग इज मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ अ सिंगल पर्सन।
एक्सपेरिमेंट्स आर मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड रिकॉर्ड। देखिए जो ग्रुप वर्किंग है हमारे पास, उसमें होता ये है कि हमारे पास टू या मोर देन टू पर्सन जो है वो आपस में डिस्कशन कर रही हैं, और वो एक सिंगल पर्सन की आपस में, एक दो पर्सन की आपस में डिस्कशन से ज़्यादा ही कम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें हर बंदा अपने तरीके से अपनी राय दे रहा है, अपने एक्सप्रेशन हैं उसके, अपने गेस्चर्स हैं उसके, तो एक थर्ड पर्सन के लिए उन चीज़ों को समझना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना डिफिकल्ट हो जाता है, उनको कंट्रोल करना या रिकॉर्ड करना। और फील्ड स्टडीज़ मस्ट टेक इन टू अकाउंट द सोशल सिचुएशन, तो उसके लिए हमें कुछ फील्ड स्टडीज़ की भी ज़रूरत पड़ जाती है, ताकि हम उस जो सोशल सिचुएशन है उसको समझने के लिए हमें पहले उन बंदों के मूड्स का, उनकी डिस्कशन का, उनके टॉपिक का, वो एक कन्वर्जेशन को रिकॉर्ड करना या समझना जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट है, इसलिए फील्ड स्टडीज़ की भी ज़रूरत पड़ जाती है। ऑफन सीन एज अ पैराडाइम ऑफ कंप्यूटर मेडिएट कम्युनिकेशन, इसीलिए हम इसको कंप्यूटर की एक अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जिसकी बदौलत हम ये कह सकते हैं कि ये अगर हो जाए तो कंप्यूटर जो है वो एक न्यू पैराडाइम में एंटर हो जाएगा, जहाँ पे उसकी कम्युनिकेशन ह्यूमंस के साथ और ज़्यादा वास्ट और वर्सटाइल हो जाएगी। सो सोशल नेचर ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस की सोशल नेचर के बारे में डिस्कशन करते हैं। ह्यूमंस आर इनहेरेंटली सोशल क्रिएचर्स इन नेचर, ऑफन कॉल्ड एज सोशल एनिमल्स। ह्यूमंस जिनको हम सोशल क्रिएचर कहते हैं इंग्लिश में, या फिर जो लिटरेचर है उसमें इनको सोशल एनिमल्स का भी नाम दिया गया है। दे लिव वर्क ईट प्ले टुगेदर, क्योंकि ये काम करना, खाना या खेलना इकट्ठे करना चाहते हैं, ये अलग अलग नहीं कर सकते, ये इकट्ठे काम करते हैं। आपने अमूमन देखा होगा कि ग्रुप्स में काम करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है बजाय अकेले काम करने के। अगर किसी बंदे को अकेले रहने की आदत हो तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये बंदा साइको है, इस बंदे का दिमाग ख़राब है, ये हमेशा अकेला रहता है और अकेला घूमता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो पनिशमेंट्स हैं दीज आर द एग्जाम्पल्स। जब जेल में किसी को सजा दी जाती है तो सबसे ख़तरनाक सज़ा जो होती है वो होती है उसको काल कोठरी की सज़ा देना, जिस सज़ा पर वो अकेला रह रह के पागल हो जाए, क्योंकि डेफिनेटली अकेले रहने की जो सज़ा है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन अगर वो अकेला हो तो वो कुछ नहीं है। देयरफॉर दे नीड टू डेवलप इंट्रैक्शन सिस्टम दैट सपोर्ट एंड एक्सटेंड दीज काइंड ऑफ सोशल इंट्रैक्शंस। तो इसलिए हमें ऐसे सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जो इस तरह की सोशल इंट्रैक्शंस को भी फॉलो करें, वो स्टैंड अलॉन वर्किंग मत ना करें, ताकि ह्यूमंस उनको ईजिली यूज़ कर सकें या इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा बेटर हो जाए। सो लाइक कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। So here we need to discuss more about these communication styles. First one is face-to-face communication. Most primitive and most substantial form of communication, as we discussed earlier that this was the most primitive type of communication, जो सबसे पहले यूज़ हुई थी दुनिया में वो हमारे पास फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं थी, तो उसके बाद आज तक ये यूज़ हो रही है। ऑफन एज अ पैराडाइम फॉर कंप्यूटर मेडिएट कम्युनिकेशन, तो इसको हम कंप्यूटर मेडिएट कम्युनिकेशन की एक पैराडाइम भी कहते हैं, कि हमारे पास एक सालसी चेंज जो है वो इन फ्यूचर पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन विल नेवर बी अ सबस्टल फॉर द फेस ऑफ समवन हु विद दियर सोल इनकरेजेस एंड अदर पर्सन टू बी ब्रेव एंड ट्रू, चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस एक पर्सन था जिसने ये बात कही थी कि कुछ भी हो जाए, चाहे साइंस जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है वो एक चेहरे की या एक फेस की उस रियल कम्युनिकेशन को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के अगेंस्ट खड़े होकर जिस तरीके से बात करता है, जिस तरीके से उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसके गेस्चर्स या उसकी वॉइस वेरिएशंस बात को समझा रही होती हैं, अगर एक मशीन या एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितनी भी तरक्की कर ले, उसका रेसिप्रोकल या उसका मुतबादिल नहीं बना सकता। फेस टू फेस कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र इफ़ेक्ट्स, ट्रांसफ़र इफ़ेक्ट्स ट्रांसफॉर्मिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फेस टू फेस, फ्रॉम वन पर्सन टू अदर इन डिफरेंट वेज, लाइक कैरी एक्सपेक्टेशंस इनटू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पीपल आर अडॉप्टेबल एंड दे यूज ओवर फॉर द टर्न टॉकिंग वाइल यूजिंग वॉकी टॉकी। देखिए जब दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रांसफ़र इफ़ेक्ट्स आते हैं, जब अगर वो किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। अगर वो फेस टू फेस आमने सामने बात कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर वो फेस टू फेस वॉकी टाकी को या किसी इलेक्ट्रॉनिक और मीडियम को यूज़ कर रहे हैं तो पीपल आर अडॉप्टेबल, वो खुद ही उसको सीख लेते हैं कि उसे किस तरह से यूज़ करना है। लाइक हमारे पास वॉकी टाकी को यूज़ करने का एक तरीका है कि जब भी एक बंदा बोल रहा होता है तो दूसरा सुन रहा होता है, मीन्स कि हम इसको हाफ डुप्लेक्स कह रहे हैं। जब सुन रहा होता है तो उसके बाद वो ओवर कहता है, ओवर मीन्स कि अब उसने अपनी बात ख़त्म कर ली है, तब वो दूसरा बंदा उसको
स्टार्ट करते हैं, बट ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट दे कैन यूज एग्जिस्टिंग नॉर्म्स कल्चर्स. सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि लोग अडॉप्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो अपने तरीके को भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे हमारे कल्चर में हेलो को आराम कहा गया है, तो हम फ़ोन को यूज़ करते हैं जब, तो हम हेलो कहते हैं क्योंकि कंपनी ने उसके लिए हेलो वर्ड चूज़ किया है. लेकिन अक्सर लोगों ने इसको अस्सलाम वालेकुम की तरफ ले गए हैं और वो इसको चेंज कर गए हैं. सेम एज इट इज़, चाइनीज़ हैं वो मैशी मैशी कह रही हैं, क्रिश्चियंस हैं वो शैलोम कह रही हैं. इस तरह से डिफरेंट कल्चर्स हैं, लोग आप अडॉप्ट कर सकते हैं, लोग चेंज कर सकते हैं इन ट्रेडिशनल कल्चर्स को, लेकिन लोग इनको अडॉप्ट भी कर लेते हैं. मे इंटरप्रेट फेलियर एज रूडनेस ऑफ कॉलीग्स एंड पर्सनल स्पेस. समटाइम ऐसा होता है कि किसी की वजह से, किसी एक कोलीग की वजह से जो कि इसी कम्युनिकेशन कर रहा है, उसकी वजह से इस तरह की कम्युनिकेशन में एरर आ जाते हैं. और वीडियो में डिस्ट्रॉय म्यूचुअल इंप्रेशन ऑफ डिस्ट्रॉय हैप्पीली द ग्लास वॉल इफेक्ट्स हेल्प. देखिए, जब एक बंदा वाकी टाकी पे बात कर रहा है, दूसरा बंदा बात करते करते गुस्से में आ गया, उसने बगैर ओवर किए बात अपनी ख़त्म कर दी और वाकी टाकी साइड पे रख दिया, तो पहला बंदा इसी वेट में होगा कि दूसरा ओवर करे तो मैं अपनी बात स्टार्ट करूँ. ठीक है, अगर इंटरप्ट आया तो फेलियर आ गया. सेम एज इट इज, हम इसको ग्लास वॉल इफेक्ट कह रहे हैं. आगे चल के हम देखेंगे ग्लास वॉल इफेक्ट क्या होता है. फेस टू फेस कम्युनिकेशन सम टाइम विद डिजास्टरियस रिजल्ट. द रिजल्ट ऑफ फेस द रूल ऑफ फेस टू फेस कन्वर्जेशन आर नॉट कंसेशियस, सो वेन दे आर ब्रोकन वी डो नॉट ऑलवेज रिकोगनाइज द ट्रू प्रॉब्लम. देखिए, सिंपल सी चीज़ है, आपने कुछ रूल्स आपस में डिसाइड किए हुए और उस रूल के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही है, अगर उस रूल को ब्रेक कर दिया जाए तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. जैसे मैंने कहा कि जब वॉकी टॉकी पे बात करते हुए एक पर्सन ने ओवर नहीं कहा, तो डेफिनेटली अब सारी बात इंटरप्ट हो गई है, दूसरा बंदा जो है वो इस बात का जवाब नहीं दे पाएगा या वो वेट करता रहेगा. मे इंटरप्ट या इंटरप्रेट फेलियर एज रेडनेस ऑफ कोलीग्स. अफकोर्स दूसरे कोलीग्स की वजह से फेलियर आ सकता है. सो पर्सनल स्पेस वीडियो में डिस्ट्रॉय म्यूचुअल इंप्रेशन ऑफ डिस्टेंस हैपली द ग्लास वॉल इफेक्ट सेल्फ. ऑफन द ग्लास वॉल अफोर्डेड बाई द वीडियो स्क्रीन मेक्स अ प्रीशियस डिस्टेंस लेस इंपॉर्टेंट विच वुड हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ड्यूरिंग क्रॉस कल्चर मीटिंग. समटाइम जब आप बात कर रहे हैं, आप अपने एक्सप्रेशंस को प्रॉपर वाजिया नहीं कर रहे, इन सारी चीज़ों की वजह से आप जो नेक्स्ट यूज़र है, जो आपके ऑपोजिट है, अगर वो वीडियो कॉल पे मौजूद है तो डेफिनेटली उसको आपकी बात का प्रॉपर मतलब समझ नहीं आएगा. अगर आप अपने आई कॉन्टैक्ट्स, अपने गेस्चर्स या फिर अपनी मूवमेंट्स को यूज़ नहीं कर रहे अगर एक वीडियो पे, तो डेफिनेटली इस तरह की जो चीज़ है वो अगले बंदे को लेक ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ ले जाएगी. और इस चीज़ को कहते हैं ग्लास इफेक्ट. ये चीज़ जिसको हम स्क्रीन टू स्क्रीन, कैमरा टू कैमरा, दो बंदों की आपस में कन्वर्जेशन हो रही है, इसको हम कह रहे हैं ग्लास इफेक्ट. उसके बाद आता है आई कॉन्टैक्ट. आई कॉन्टैक्ट्स आर मोर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी कैन से दैट ये वो चीज़ है जिसके बगैर हम कम्युनिकेशन को कभी भी पूरा कर ही नहीं सकते. टू कन्वे इंटरेस्ट एंड इस्टेब्लिश सोशल प्रेजेंस, के ये इंटरेस्ट और सोशल प्रेजेंस के लिए ज़रूरी है. वीडियो में इंस्पायर डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट. सम टाइम जब आप लाइव किसी से आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, इट कैन बी अ पर्सन और कैन बी अ क्राउड. तो इसी तरह जब आप एक वीडियो में किसी से बात कर रहे हैं, तो वीडियो में बात करते हुए जब आप सामने देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप हर किसी को देख रहे हैं, लेकिन फेस टू फेस जब आप सामने देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को देख रहे हैं. तो वीडियो जो है वो स्पॉइल कर रही है डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट को. लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि सम हाउ बेस्ट बेस्ट इज पुअर क्वालिटी वीडियो इज़ बेटर देन ऑडियो ओनली. मतलब अगर क्वालिटी बेटर नहीं है वीडियो की तो हम ऑडियो को प्रेफरेंस दे सकते हैं. देखिए, मैं अगर किसी को कहता हूँ थैंक यू, तो मैं उसको देख के कहता हूँ थैंक यू, तो उसको समझ आ जाएगी कि मैंने उसे थैंक यू कहा है. लेकिन अगर मैं उसको देखे बगैर कहता हूँ थैंक यू, तो इसका मतलब है मैं किसी को भी कह रहा हूँ. तो आई कॉन्टैक्ट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कम्युनिकेशन में, किसी को डायरेक्टली पॉइंट आउट करने के लिए. गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज. मच ऑफ अवर कम्युनिकेशन इज थ्रू अवर बॉडीज. गेस्चर्स एंड आई गेज यूज टू डिक्टेट रेफरेंस पॉइंटिंग आउट लाइक हेड एंड शोल्डर वीडियो लॉसेज दिस. सो क्लोज फोकस फॉर आई कॉन्टैक्ट और वाइड फोकस फॉर बॉडी लैंग्वेज.
जिस तरह से आई कांटेक्ट जरूरी है, इसी तरह से गेस्चर्स भी जरूरी हैं। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम डायरेक्ट किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए हाथ के इशारे से उस तरह पॉइंट आउट कर सकते हैं, सर उधर घुमा सकते हैं, शोल्डर्स ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। मल्टीपल आपके अपने गेस्चर्स होते हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी बात को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं या फिर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फुल बना सकते हैं ताकि अगले बंदे को वो बात ईजिली समझ आ सके। तो इसलिए आई गेस्चर्स जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी लैंग्वेज का, मतलब कि कम्युनिकेशन का। बैक चैनल्स, बैक चैनल्स, व्हाट आर बैक चैनल्स एंड हाउ वी कैन एलेबरेट बैक चैनल्स, इस एग्जाम्पल से देखते हैं। एल्सन, डू यू फैंसी द फिल्म द ग्रीन? इट स्टार्ट्स एट नाइट 8। ग्रेट। नाउ जस्ट द वर्ड्स बैक चैनल्स रेस्पॉन्सेज फ्रॉम ब्राइन एट 1 एंड 2, क्विजिकल एट 1 एंड अफर्मेटिव एट 2। जब ब्राइन सुन रहा और एलिसन बात कर रही तो एलिसन ने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या तुमने वो फिल्म देखी और कब देखी, ये टाइम वगैरह जो भी बता रही है। और जब इसने जवाब दिया, अफर्मेटिव था वो। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें यूज़ हुई हैं जैसे अर या उ, ये जो चीज़ें हैं जो आपके सेंटेंस को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना रही हैं ताकि अगले बंदे को इजीली समझ आए। ये चीज़ें हमारे बैक चैनल्स हैं। सो बैक चैनल्स इंक्लूड नोड्स एंड ग्रेमिसेस, श्रग्स ऑफ द शोल्डर्स या ग्रंट्स एंड रेज्ड आईबोज। लाइक आप अपनी आवाज़ को ऊंचा नीचा कर रही हैं, अपने कंधों को ऊपर नीचे कर रही हैं या फिर अपनी आईबोज को सुकड़ रही हैं या फिर फैला रही हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी बातों के दौरान जो आपके फेस के एक्शंस हैं ये सारे के सारे बैक चैनल्स में काउंट हो रहे हैं। अटरेंस बिगेन वैग यू देन शार्पनेस अप जस्ट इनफ। ये एज ए एग्जाम्पल ऑफ बैक चैनल। बट द प्रॉब्लम इज दैट अवर मीडिया रिस्ट्रिक्ट्स द बैक चैनल्स। मीन्स टू से अगर हम बैक चैनल को इमोशंस के साथ लिंक करें, हम इसको इमोशन कहें, तो जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो बैक चैनल को डेफिनेटली रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ वीडियो, लॉस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। एक वीडियो में एक बंदे का फेस नज़र आ रहा है तो इट्स मीन कि उसकी बॉडी लैंग्वेज का हमें नहीं पता चलेगा, वो कैसे खड़ा है, वो कैसे बात कर रहा है, वो हाथ हिला रहा है, वो पाँव हिला रहा है, हमें इन चीज़ों का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ऑडियो, लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। डेफिनेटली ऑडियो में हमें वो तो फेस एक्सप्रेशन भी नज़र नहीं आएंगे, वो तो और ज़्यादा लॉस है। हाफ डुप्लेक्स, लॉस ऑफ मोस्ट वॉइस बैक चैनल। जैसे वॉकी टॉकी पे हम बात करते हैं तो हमें बात करना भी रिस्ट्रिक्ट हो गया है। एंड टेक्स्ट बेस, नथिंग लेफ्ट। यहाँ पे तो सब कुछ ही खत्म हो गया। लेटर के ऊपर तो बिल्कुल ही हालात ख़राब हैं, लेकिन SMS पे हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि SMS जो है वो हमारी बात को थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकता है, उसके अंदर थोड़े से हमारे पास एक्सप्रेशंस आ गए हैं इन द फॉर्म ऑफ इमोजीज। बैक चैनल्स एंड टर्न टॉकिंग। बैक चैनल्स के बारे में तो हमें पता चल गया कि ये हमारे पास कुछ टाइप के, आप कह लें कि कुछ गेस्चर्स हैं या कुछ आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बात करने में हेल्प कर रही हैं। तो किसी की अटेंशन या किसी बात को रिटर्न करना या फिर उस बात को वापस लाना या अपनी तरफ मोल्ड करना बैक चैनल्स में कैसे पॉसिबल है? सपोज दैट इन अ मीटिंग अ स्पीकर ऑफर्स द फ्लोर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड गैप, लिसनर रिक्वेस्टेड द फ्लोर फेशियल एक्सप्रेशन स्मॉल नॉइस, ग्रंट्स कैन बी यूज्ड बाय द लिसनर टू क्लेम द फ्लोर एंड द स्पीकर टू होल्ड द फ्लोर बट ऑफन टू क्वाइट फॉर हाफ डुप्लेक्स चैनल्स। जब एक स्पीकर बात कर रहा है किसी मीटिंग में तो आपको अगर उससे माइक लेना है या बात करनी है या उसकी बात को रोकना है, खुद बात करनी है, तो आप वहाँ पे खांस सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं, कुछ ऐसी आवाज़ें निकाल सकते हैं जैसे एक्सक्यूज मी, इस तरह से। दीज टाइप ऑफ योर एक्शंस आर कॉल्ड बैक चैनल्स फॉर टर्न टॉकिंग। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंसेस स्पेशल प्रॉब्लम्स लाइक ले कैन एक्सीड द टर्न टॉकिंग गैप एंड लीड्स टू अ मोनोलॉज।
समटाइम ऐसा हो सकता है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे किसी से बात कर रहे हो तो वो जो बैक चैनल्स हैं वहाँ पे वो यूज़ नहीं हो सकते, वहाँ पे वो बातें जो हैं वो लंबी हो जाती हैं और आपको लेट टाइम मिलता है। सो हियर सी अनदर बेसिक कन्वर्सेशनल स्ट्रक्चर। एलिसन, डू यू फैंसी दैट फिल्म ब्राइन? दी 50 मिली सेकेंड ऑफ गैप देन विद द ब्लैक कैट द ग्रीन वाइट सेट। एलसन, या गो एट लुक एट वॉच 1.2 सेकेंड एंड 22। ब्राइन, श्योर। नाउ सी दैट व्हेन दे आर टॉकिंग एंड दे आर यूजिंग सम बैक चैनल्स एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट इज अटरेंस एंड टर्न टॉकिंग एंड अटरेंस यूज अल्टरनेट। जो दरमियान में अटरेंस होती है ये भी एक तरह का एक्सप्रेशन है बैक चैनल का, ये यूज़ होती है कि जो टॉकिंग को चेंज करने के लिए, टर्न टॉकिंग किसी की बात को दोबारा अपने मौकफ पे लाने के लिए। नाउ टॉक अबाउट सम एडजेंसी पेयर्स इन बेसिक कन्वर्जेशन स्ट्रक्चर्स। एडजेंसी पेयर्स क्या कह रही हैं? अ सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर इज एडजेंसी पेयर। एडजेंसी पेयर मस्ट या मे नेस्ट। पहले बात हो रही है ब्रैन और एल्सन की। ब्रैन पूछता है डू यू वॉन्ट सम गेट यू इट्स अ सम टाइप ऑफ स्वीट डिश। एल्सन सेड दैट इज अ वेरी फैटी। ब्राइन, यस वेरी। एल्सन, यू एंड लॉट्स ऑफ चॉकलेट। ब्राइन मैसेस। एल्सन, आई विल हैव अ बिग स्लाइस देन। अब देखिए उसने उससे पूछा कि तुम ये खाओगी, वो कहती है ज़्यादा फैटी तो नहीं है, इसमें ज़्यादा चॉकलेट तो नहीं है, ओके एक स्लाइस दे दो, बिग स्लाइस दे दो। अब इसमें अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर इज बी ऑफ एक्स ए ऑफ वाई, बी ऑफ वाई ए ऑफ जेड, बी ऑफ जेड ए ऑफ एक्स। मीन्स के डिफरेंट सेंटेंसेस के साथ आपस में मिक्सअप हो रहे हैं। जैसे अगर देखा जाए तो दूसरे तीसरे का, तीसरे और चौथे का आपस में लिंक बन रहा है, लेकिन जो पहला मैसेज है उसका आखिरी मैसेज के साथ लिंक प्रॉपर बन रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का जो सही सीन है इसको हम एडजेंसी पेयर्स कह रही है। इनर पेयर्स ऑफन फॉर क्लैरिफिकेशन बट सिंपल पेयर्स इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर यूजफुल, बट ट्राई टू एनालाइजिंग द फर्स्ट ट्रांसक्रिप्ट इन डिटेल। अब यहाँ पे जो पहला मैसेज है उसका आखिरी मैसेज के साथ लिंक एक क्वेश्चन और आंसर है, जबकि जो दरमियाने मैसेजेस हैं वो आपस में इस तरह से पेयर हो रहे हैं कि वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं उसी मैसेज की आगे, ताकि उसका यूजफुल आंसर आ सके। सो दिस इज कॉल्ड अवर एडजेंसी पेयर्स। नाउ कॉन्टेक्स्ट इन कन्वर्सेशन में अटरेंस आर हाईली एम्बिगियस। वी यूज कॉन्टेक्स्ट टू डिसएम्बिगुएट। लाइक ब्राइन एंड एलिसन आर टॉकिंग दैट ब्राइन से दैट पॉइंट्स द पोस्ट इज लर्निंग लीनिंग अ बिट एंड एलिसन सेड दैट द वन यू पुट इन। कि ब्राइन उसे कह रहे हैं कि वो देखो जो पोस्ट है वो लीनिंग अ बिट, वो हिल रही है। तो एलिसन आगे से कहती है वो जो तुमने पुट की थी। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास दो तरह के कॉन्टेक्स्ट आ गए, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल वो कॉन्टेक्स्ट है जो कि एनवायरनमेंट को रेफर कर रहे हैं लेकिन वो स्टैंड अलोन है, लेकिन इंटरनल जो है वो रेफर कर रहा है प्रीवियस कन्वर्जेशन को। मीन्स कि वो अब डिपेंड कर रहा है फर्स्ट कन्वर्जेशन के ऊपर। जब ब्राइन ने कहा कि वो जो पोल है वो हिल रहा है, अब इसका मतलब है कि वो किसी भी पोल को इशारा कर सकता है, उसके 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 मैसेज का कुछ भी जवाब हो सकता है। लेकिन एल्सन ने जब कहा है दैट्स वन दैट यू पुट इन, कि वो वाला जो तुमने लगाया है, अब यहाँ पे उसकी बात का पहले मैसेज के अलावा कुछ मतलब नहीं बनता। यानी कि एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में उसका जो मैसेज है वो स्टैंड अलोन है और इन्वायरमेंट को रेफर कर रहे हैं, जबकि इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में जो एलिसन का मैसेज है वो डिपेंड कर रहा है अपने प्रीवियस कन्वर्जेशन के ऊपर। सो वैन बी रेफरिंग टू द थिंग्स लाइक डेक्सेज ऑफन कॉन्टेक्चुअल अटरेंसेज इन्वॉल्व्स इंडेक्सिकल्स लाइक दैट दिस ही शी इट। मीन्स हम पॉइंट कर रहे हैं चीज़ को, हम डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहे हैं कि किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। दीज में बी यूज फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट। ऑल्सो डिस्क्रिप्टिव फ्रेज मे बी यूज लाइक एक्सटर्नल द कॉर्नर पोस्ट इज लीनिंग अ बिट एंड द इंटरनल द पोस्ट यू मैंशनड। अब यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल में ये बता रहा है कि वो कॉर्नर वाली जो पोस्ट है वो हिल रही है थोड़ी सी, और इंटरनल में ये आगे से कह रही है द पोस्ट यू मैंशनड। अब देखिए यहाँ पे द का वर्ड यूज हुआ, तो वो वाली पोस्ट जो तुमने मैंशन की। तो इस तरह से हम इनको इंटरनली एक्सटर्नली आपस में रेफर कर रहे हैं। इन फेस टू फेस कन्वर्जेशन कैन पॉइंट, यहाँ फेस टू फेस कन्वर्जेशन अगर हो रही है तो उसी में पॉसिबल है कि हम इस तरह से इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। कॉमन ग्राउंड, दिस इज अ वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉमन ग्राउंड का मतलब ये है कि जब लोग आपस में बात कर रहे हों तो दोनों का नॉलेज सेम होना चाहिए।
अगर नॉलेज सेम नहीं होगा तो वो क्या बात कर रहे हैं, वो आपस में कंट्राडिक्ट हो जाएगी, वो आपस में कन्फ्लिक्ट कर जाएगी। लाइक अगर एक टेक्निकल पर्सन नॉन टेक्निकल पर्सन से टेक्निकल बात करेगा तो नॉन टेक्निकल पर्सन की समझ में नहीं आएगा कि टेक्निकल पर्सन क्या बात कर रहा है, तो वो आंसर कुछ और दे देगा। रिजॉल्विंग कॉन्टेक्स्ट डिपेंड्स ऑन द मीनिंग, कि आपका मतलब क्या है ये अगर पता हो तभी आपका कॉन्टेक्स्ट का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सकता है। पार्टिसिपेंट्स मस्ट शेयर मीनिंग, दोनों पार्टिसिपेंट्स को एक ग्राउंड पे होना लाजमी होता है कि वो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वही चीज़ उन दोनों के पास उसका नॉलेज होना चाहिए। सो मस्ट हैव शेयर्ड नॉलेज लाइक कन्वर्सेशन कॉन्स्टेंटली निगोशिएट मीनिंग्स अ प्रोसेसिंग अ प्रोसेस कार्ड ग्राउंडिंग लाइक एलिसन सो यू टर्न राइट बिसाइड द रिवर ब्राइन पास द पब एलिसन गया। अब यहाँ पे आप देखें एलिसन ने उससे पूछा कि तुम ने दरिया के पास से टर्न लिया, तो ब्राइन कहता है पास द पब पब को क्रॉस करके, एलिसन कहता है हाँ गया। अब देखें यहाँ पे ब्राइन को पता था कि एलिसन किस दरिया और किस टर्न के बारे में बात कर रहा है, इसलिए जब ब्राइन ने बात की एलिसन ने जब बात की तो ब्राइन को पता था कि उसने इसका आंसर क्या देना है, या उसने जो पूछा तो आगे एलिसन को भी पता था कि मैंने इसका आंसर क्या देना है। तो इस तरह से दोनों जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए, तो दोनों का जो आंसर था वो इजीली ऑटोमेटिकली आपस में सिंक हो गया। तो इस तरह से दोनों का नॉलेज सेम ना होता तो ब्राइन उससे पूछता कि कौन सा दरिया और किस टर्न की आप बात कर रहे हो। सो कॉमन ग्राउंड पे दोनों का होना लाजमी है। ईच अटेंस इज एश्योम्स टू बी रेलिवेंट एंड हेल्पफुल। तो जो आप इसमें यूज़ कर रहे हैं अटरेंस को वो रेलिवेंट भी होनी चाहिए और वो हेल्पफुल भी होनी चाहिए, मीन्स कि वो फर्दर द करंट टॉपिक उसी टॉपिक्स के आगे जितने टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं उनसे भी रेलिवेंट होनी चाहिए, और वो थोड़ी कम्प्रीहेंसिवेबल भी होनी चाहिए लिसनर्स के लिए जो उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें, पूरे टॉपिक को ही ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। और इसके लिए दोनों लिसनर्स का या दोनों पार्टिसिपेंट्स का एक कॉमन ग्राउंड के ऊपर रहना लाजमी है। फोकस एंड टॉपिक, सम टाइम जब दो बंदे आपस में बात कर रहे हों तो उनका फोकस किसी बात से हट भी सकता है। सो हेयर इज एन एग्जाम्पल लाइक एलिसन ब्राइन बोथ आर टॉकिंग विद ईच अदर, एलिसन सेड दैट ओ लुक एट योर रोजेस, ब्राइन फिर कहता है आगे से बट आई हैव हैड ट्रबल विद ग्रीन फ्लाई, एलिसन आगे से दे आर द सिंबल ऑफ द इंग्लिश समर, एंड ब्राइन ग्रीन फ्लाई, एलिसन नो रोजेस सिली नो। अब दोनों जब आपस में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फोकस थोड़ा सा हट गया था टॉपिक से कि एलिसन ने कहा कि फूलों को देखो, ब्राइन ने कहा कि मुझे ग्रीन फ्लाई से प्रॉब्लम है, तो एलिसन ने कहा कि ये गर्मियों की निशानी है, तो ब्राइन ने कहा कि ग्रीन फ्लाई की बात कर रहे हो, कहते नहीं मैं तो रोजेस की बात कर रहा हूँ। तो फोकस एंड टॉपिक, फोकस से हट जाना और वापस आना। ट्रेसिंग टॉपिक इज वन वे टू एनालाइज कन्वर्सेशन, एलिसन बिगेन्स द टॉपिक, ब्राइन शिफ्ट द टॉपिक एंड एलिसन मिसेज शिफ्ट ऑन द फोकस ब्रेक डाउन। एलिसन ने टॉपिक शुरू किया तो ब्राइन टॉपिक से हट गया तो एलिसन उसे वापस टॉपिक पे लेके आ गई या आ गया। फोकस एंड ब्रेक डाउन, नाउ यू कैन क्लासीफाई अटरेंस बाय द टास्क दे परफॉर्म इन कन्वर्सेशन। लाइक देर आर थ्री टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अटरेंस, सब्सटेंटिव, एनोटेटिव एंड प्रोसीजरल। सब्सटेंटिव क्या कहती है, डायरेक्ट रेलिवेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कन्वर्सेशन। एनोटेटिव क्या कहती है, पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन, एलेबोरेशन एटसेट्रा। वाइल प्रोसीजर क्या कहती है, टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ क्लैबोरेशन इटसेल्फ। अब यहाँ पे सब्सटेंशियल में यह है कि हम डायरेक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं किसी भी टॉपिक के अगेंस्ट, एनोटेटिव में यह कि हम पॉइंट कर रहे हैं और क्लैरिफाई कर रहे हैं उस टॉपिक को, प्रोसीजर में हम उसका पूरा मेथड या प्रोसीजर कोलैबोरेट कर रहे हैं बता के कि किस तरह से इसको हमने परफॉर्म करना है। अब यहाँ हम अपने फोकस एंड ब्रेक डाउन को अप्लाई करते हैं ब्राइन की टॉक के ऊपर। सबसे पहले ब्राइन और एलिसन आपस में बात कर रहे हैं और ब्राइन जो है वो एलिसन को समझा रहा है, या एलिसन ब्राइन को समझा रहा है कि एलिसन इज गिविंग ब्राइन डायरेक्शंस कि आपने किसी जगह पे जाना है, तो डायरेक्शंस उसको दी जा रही है कि कैसे जाना है। एलिसन कहता है यू गो अलोंग दिस रोड अनटिल यू गेट टू द रिवर, आप इस रोड के साथ जाओ जब तक आप रिवर पे ना पहुंच जाओ। ब्राइन कहता है डू यू स्टॉप बिफोर द रिवर और आफ्टर यू क्रॉस इट, क्या तुम रिवर से पहले रुक गए थे या रिवर के बाद, तो एलिसन कहता है बिफोर, पहले। ब्राइन कहता है ड्रा द रिवर इन ब्लू एंड रोड इन ब्लैक, अच्छा फिर ऐसा करो कि रोड और रिवर को ब्लू और ब्लैक मार्कर से व्हाइट बोर्ड पे ड्रा कर दो। एलिसन कहता है सो यू टर्न राइट बिसाइड द रिवर,
पास द होटल ब्राइन कहते हैं, और एल्सन आगे से, या देयर इज अनदर ब्लैक पेन, दिस वन इज रनिंग ड्राई। अब यहाँ पे अचानक एल्सन ने बात को चेंज कर दिया, ऊपर उसने कोई क्वेश्चन पूछा, कोई प्रोसीजर बताया। अब वो सारी चीज़ें जो है हमारे पास, जो ऊपर तीन डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे हमारे पास तीन डिफरेंट ब्रेक डाउन के मेथड्स हैं, सब्सटेंटिव, एनोटेटिव एंड प्रोसीजर। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर वो मेथड्स जो हैं वो किस तरह से पॉइंट आउट हो रहे हैं। नाउ हेयर यू कैन सी, जो एल्सन ने पूछा कि यू गो अलॉन्ग दिस रोड एंड अंटिल यू गेट, अब ये उसको बता रहा है, तो इस मीन के ये सब्सटेंटिव है कि उसको बता रहा है। ब्राइन ने आगे से कुछ पूछा, इसका मतलब है वो एनोटेटिव है, और उसने बताया, उसी का आंसर एनोटेटिव में आ गया। अब ब्राइन ने उसे कहा कि मुझे ये बना के दिखाओ, अब वो प्रोसीजरल में चला गया। एलिसन कहता है कि सो यू टर्न बैक बिसाइड द रिवर, अब वो उससे ये चीज़ पूछ रहा है, वो सब्सटेंटिव में आ गई है। उसके बाद पास द होटल, ये भी सब्सटेंटिव में आ गई है, सब्सटेंटिव। तो एलिसन कहता है या देयर इज अनदर ब्लैक पेन, दिस वन इज रनिंग ड्राई, अब ये प्रोसीजर में चला गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ तरीके हैं बात करने के, कि जब हम फेस टू फेस ब्रेक डाउन पे बात कर रहे हैं तो हम किस तरह से उनको कैटेगराइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म यूज हो रही है कि द फाइनल अटरेंस इज प्रोसीजर टेक्निक्स एंड इंडिकेट्स दैट द सिस्टम हैज बिकम अपरेंट टू द पार्टिसिपेंट्स। ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये है कि, तो फाइनली ये बता रही है ये टेक्निक कि हमारे पास जो सिस्टम है वो प्रोसीजर टेक्निक्स को फॉलो कर रहा है, और वो दोनों पार्टिसिपेंट्स के लिए हक में है, या उनको समझ आ रहा है, या उनके हक में है। ब्रेक डाउन एक और टर्म में भी आती है कि जब आप बात कर रहे हो और वो बात किसी और एंगल पे चली जाए तो बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लाइक एलिसन कहता है इज इट दैट ब्यूटिफुल, क्या ये खूबसूरत नहीं है। पॉइंट्स टू अ लार्ज मेल डियर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द ट्रीज, कि दरख्तों के साथ एक बड़ा हिरन खड़ा है, और एलिसन कहता है कि ब्यूटीफुल नहीं है, इशारा करके। ब्रायन आगे से कहता है द सिमेट्री ऑफ द ब्रांचेज, ही थिंक्स शी इज पॉइंटेड टू द ट्री, तो वो कहता है हाँ ये दरख्त कितने प्यारे हैं। तो एलिसन आगे से कहती है हाउ सम पीपल कैन डिसलाइक देम, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। एलिसन कहती है लोग इन्हें क्यों बुरा समझते हैं, मुझे ये नहीं समझ आई। तो ब्रायन कहता है यस द पार्क रेंजर्स शुड शूट ऑल दीज डैम डियर्स बिफोर दे किल द ट्रीज ऑफ फॉर गुड। ब्रायन अब कहता है हाँ ऐसा होना चाहिए कि जो पार्क के रेंजर्स हैं, जो गार्ड्स हैं, वो इन सारे हिरनों को मार दें ताकि ये इन झाड़ियों को, इन दरख्तों को नुकसान ना पहुंचाएं। उसके बाद एलिसन साइलेंस हो गई। अब यहाँ पे आप देखें, एलिसन बात कर रही थी हिरन्स की, जिनकी वजह से खूबसूरती है, और ब्रायन सोच रहा था कि एलिसन बात कर रही है उन झाड़ियों की या उन दरख्तों की जिनकी वजह से खूबसूरती है। तो एलिसन ने कहा कि लोग इनको डिसलाइक क्यों करते हैं, वो हिरन की बात कर रही थी। तो ब्रायन समझ रहा था कि वो दरख्तों की बात कर रही थी जिसको हिरन अपने सींगों से तबाह कर देते हैं। तो उसने कहा कि लोगों को ये करना चाहिए, रेंजर्स को ये करना चाहिए कि हिरन्स को मार गिराएं जिससे इनका झाड़ियों को नुकसान ना पहुंचा सकें। तो एलिसन को जब लगा कि बात का मतलब और आ गया सामने, जबकि मैंने कुछ और बात की, तो उसने खुद को साइलेंट कर लिया, मतलब टॉक ब्रेक डाउन हो गई। सो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ है। होप सो आपको समझ आया होगा। काफ़ी चीज़ें मैंने बड़े अच्छे से क्लियर की हैं, फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक रह गया हो तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल आंसर। अच्छा, इसमें आज हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो चीज़ें टोटली कम्युनिकेशन एंड कोलेब्रेशन बिटवीन ह्यूमंस, जो ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड कोलेब्रेशन, जिसकी बेस पे हम ये चीज़ सोचते हैं कि इन कम्युनिकेशन का आउटकम क्या है, और किस तरह से कौन सी कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी है, जिसको देखते हुए हम जो सिस्टम बनाएं उसका कम्युनिकेशन मॉडल रखें, ताकि सिस्टम्स ह्यूमन के साथ और आपस में कम्युनिकेट करें तो किस तरह से कम्युनिकेट करें ताकि वो ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफैक्ट्री हों। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।